हेलो गाइस एंड वेलकम टू विद्याफर्स्ट। मैं हूं सुनील कुमावत और हम शुरुआत करते हैं ऐसे बड़े बड़े सवालों की जो इकोनॉमी के बारे में पढ़ने का कहीं की सारांश है, इकोनॉमिक्स को पढ़ने का कहीं की कंक्लूजन है। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का जो कंक्लूजन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने का जो कंक्लूजन है वो अब आ गया है और वो चीज़ डिसाइड होती है डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड से। जितने भी ऐसे सवाल हैं, बड़े बड़े सवाल जो आपके जहन में होंगे कि यार आरबीआई जो है अपना इंटरेस्ट रेट कम क्यों कर रही थी, या इंटरेस्ट रेट को कैसे कम क्यों करती है, बढ़ाती कब है, या गवर्नमेंट टैक्स की रेट कब बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट को कब कम करना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए, गवर्नमेंट जो आरबीआई से लोन लेती है तो आरबीआई से लोन को कब बढ़ाना चाहिए, कब कम करना चाहिए। तो ये जो डिसीजन है, इनको डिसीजन लेने के लिए कोई तो पॉलिसी होगी, कोई तो वे होगा, कोई तो इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट होगा। तो वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, वो ये जो डिसीजन है, इसे डिसीजन लेने के पीछे की पॉलिसी क्या है, वो सारी बातें अब क्लियर हो जाएगी एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड के बारे में जब हम पढ़ेंगे। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड क्या होता है। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो इसके प्रीवियस वीडियो जो है वो अच्छे से पढ़ लें आप। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है हम लोगों ने पढ़ रखा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। हम लोगों को पता है एग्रीगेट सप्लाई इट मीन सारे इनकम्स को आप प्लस कर लो, एग्रीगेट डिमांड इट मीन सारे खर्चों को प्लस कर लो। इसको यदि हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई की एक 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बनती है। एग्रीगेट सप्लाई की एक 45 डिग्री की स्ट्रेट लाइन बनती है जो इमेजिनरी लाइन है। हम कैल्शियम की थ्योरी के अकॉर्डिंग इस चीज को समझ रहे हैं, राइट। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। तो एग्रीगेट डिमांड जो है, एग्रीगेट डिमांड की लाइन तो कुछ इस टाइप की होती है, एग्रीगेट डिमांड की लाइन तो कुछ इस टाइप से होती है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये जैसे कि हम लोगों ने लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट की बात करते थे कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इस लेवल पर बराबर हो, हो सकता है कि इस लेवल पर भी बराबर हो, या हो सकता है इस लेवल पर भी बराबर हो, किसी भी एक लेवल पर बराबर हो सकती है, राइट है ना। वो बराबर तो इस लेवल पर भी हो सकती है, शुरुआत में बराबर हो सकती है, तो वो किसी भी लेवल पर बराबर हो सकती है। जिस भी लेवल पर बराबर होगी, जिस भी लेवल पर वो इक्वल होगी, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, राइट। लेकिन यदि मैं ऐसा मानूं कि यदि हम सारे रिसोर्सेज जो हैं, सारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अब यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि जितने भी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री वाली जो बातें हैं सबको समझना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली इसको सिंपल वे में बोला जाए कि जितने भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज़ कर भी सकते हैं, जो इम्प्लॉयबल भी हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास तो छोटे बच्चे भी हैं तो सारे छोटे बच्चों को भी इम्प्लॉय करना नहीं, ऐसा नहीं। जितने भी हमारे पास अब एम्प्लॉयबल चीज़ें हैं, जितने भी एम्प्लॉयबल रिसोर्सेस हैं, उनको यदि मान लीजिए हम फुली यूटिलाइज करते हैं तो हम किस लेवल तक पहुंच जाएंगे, ये मैं मान लेता हूँ कि ये पूरे इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं। तो ये इकोनॉमिक के टोटल रिसोर्सेज मान लीजिए 70 है। तो यदि इस लेवल पर ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर आते हैं तब तो वो क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। यदि इससे कम पर अचीव होगा तो क्या कहलाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट है तो यदि मान लीजिए यहाँ अचीव हुआ तो ये क्या कहलाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम रिसोर्सेस यहाँ फुल यूटिलाइज कर पा रहे और यहाँ यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब इस बात का एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड से क्या लेना है, इस बात से एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड से ये ले लेना है कि हमने ये कैलकुलेशन कर लिया कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट पर इस लेवल पर रहेंगे। मान लीजिए मैंने इसको ग्राफ पर प्लॉट किया और ये वही वाली लाइन है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट को बता रही है। इसको किसको बता रही है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल को बता रही है। मान लो कि ये लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन है जो फुल एम्प्लॉयमेंट को बता रही है, राइट है। अब होना तो ये चाहिए, हम यदि सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर ले तो हम इस लेवल पर आ जाएंगे। अब इस लेवल पर इधर कुछ इनकम होगी,
इधर कुछ एम्प्लॉयमेंट का लेवल होगा, हो सकता है 70 होगा, इधर 70 होगा, कुछ भी होगा, जो भी व्हाटएवर, तो इधर कुछ इनकम का लेवल होगा, इधर कुछ जो है आउटपुट का लेवल होगा, एम्प्लॉयमेंट का लेवल होगा, जो दोनों ही बता रहे होंगे कि ये यदि हम पूरे रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर ले तो हम इस कंडीशन पर रहेंगे, इस कंडीशन पर हमें पहुंचना चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में हम पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, एक्चुअल में ऐसा हो जरूरी तो नहीं है। हो सकता है कि हम सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर ही ना पाए। अब जब हम सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज ना कर पाएंगे, या हम कहें कि जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम, उस लेवल पर आने के पहले, मतलब यहाँ पर आने के पहले ही ये दोनों बराबर हो गए, तो उस आने के पहले ही दोनों बराबर हो रहे, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वो बनना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन बन कहाँ गया, बन जो है वो यहीं पर गया, कहाँ पे गया, यहीं पर जो ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए, यानी कि ये कौन सी स्थिति हो गई, ये हो गई अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाली स्थिति बन गई। ये मैं मान लेता हूँ, इसको मैं E1 नाम देता हूँ, इसको मैं E2 नाम देता हूँ। स्थिति ये बन गई कि इक्विलिब्रियम बनना यहाँ था लेकिन बना यहीं गया, यानी कि ये जो एग्रीगेट डिमांड होना ये चाहिए थी लेकिन है यही, एग्रीगेट डिमांड 1 देता हूँ, इसको 2 नाम देता हूँ, होना यह चाहिए था, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात है, लेकिन एक्चुअल में है या है ये, या हम बोले कि हम यदि जो हम यदि एस्टिमेट कर रहे हैं तो इसमें इसी लेवल तक ही हम पहुंच पा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड जो है इस लेवल तक ही पहुंच पा रहा है। तो ये जो लेवल है, ये लेवल बताइए कि जो होना चाहिए उससे ज़्यादा है कि उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफिशियंट डिमांड, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफिशियंट डिमांड, कि मार्केट में जितनी एग्रीगेट डिमांड होना चाहिए थी उतनी नहीं है, उससे कम है, राइट, उससे कम है। और यदि मान लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो इस लेवल पर नहीं है, वो इस लेवल पर है, उससे भी ऊपर है, ये तो एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है, 45 डिग्री वाली लाइन है ये, जिसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोलेंगे, तो ये एग्रीगेट डिमांड मैं इसको 3 नाम देता हूँ। तो एक्चुअल में लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन होना चाहिए, लेकिन ये वाली लाइन पर हम, मतलब एग्रीगेट डिमांड है यहाँ पर, किसी भी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गई, जितनी होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गई। अब ऐसा क्यों हो जाता है, किस लिए हो जाता है, इस सारे बारे में बातचीत करेंगे हम, कि जितनी होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गई। तो यदि जितनी होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गई तो मीन्स एक्सेस हो गई, तो ये जो कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन बन रही है एक्सेस डिमांड की, राइट, ये बन रही है एक्सेस डिमांड की, और ये वाली जो कंडीशन बन रही है, ये बन रही है डिफिशियंट डिमांड की, डिफिशियंट डिमांड की कंडीशन बन रही है। तो ये एक्सेस एग्रीगेट डिमांड की बात, एक्सेस डिमांड की बात हो रही है, और ये जो डिफिशियंट डिमांड की बात हो रही है, राइट। इसके अलावा ये जो गैप क्रिएट हो रही है, ये जो गैप क्रिएट हो रही है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो गैप क्रिएट हो रही है, यदि इस साइड नीचे वाली साइड में गैप क्रिएट होती है तो इसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप, इसको हम बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप, मतलब कि जितनी होना चाहिए उससे डिमांड कम है, और यदि जितनी डिमांड होना चाहिए उससे ज़्यादा डिमांड है तो इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, इसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप। इसका नाम इन्फ्लेशनरी गैप क्यों रखा गया, क्योंकि यदि जितनी डिमांड होना चाहिए उससे ज़्यादा होगी, यानी कि जितना हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा लोगों डिमांड कर रहे हैं, इट मीन्स ये कि जो है चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो ऑन एन एवरेज प्राइस बढ़ेगी, ऑन एन एवरेज प्राइस का बढ़ना इट मीन्स वॉट, उसको हम बोलेंगे कि इन्फ्लेशन का बढ़ना। तो ये जो गैप है, ये गैप क्या क्रिएट कर रही है, इन्फ्लेशन क्रिएट कर रही है, इस वजह से इस गैप का नाम इन्फ्लेशनरी गैप रखा है। और ये वाली गैप जो है मार्केट में डिफ्लेशन का दौर ला रही है, मार्केट में मंदी का दौर ला रही है, तो इसलिए इस गैप का नाम रखा है डिफ्लेशनरी गैप, या बोलेंगे डिफिशियंट डिमांड की वजह से जो ग्रेड क्रिएट हो रही है वो डिफ्लेशनरी गैप है, राइट। तो आपको यहाँ यदि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो बातें हैं, कि एक तो इन्फ्लेशनरी गैप, दूसरी है डिफ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप इट मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से भी ज़्यादा डिमांड हो तो इन्फ्लेशनरी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम डिमांड हो तो डिफ्लेशनरी गैप। अब इसके हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं कि ऐसा होने, ऐसा कब कब होगा, ऐसा क्यों होगा, ऐसा कब कब होगा, उसके दो सिचुएशन है। उसकी ये सिचुएशन है कि
देखिए एक्सेस डिमांड कब हो सकती है, एक्सेस डिमांड कब हो सकती है देख के हम बात करें कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, एक्सपोर्ट है, यदि हम चारों सेक्टर की बात करें तो ये सारे इसके कंपोनेंट है। अब जब ये कम होंगे, ये कम होगा, ये कम होगा, यानी इसको सिंपली याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड डिफ्लेशनरी गैप या व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द डिफिशियंट डिमांड। तो ये रीजन है, ये रीजन होंगे व्हेन प्राइवेट कंजम्पशन विल डिक्रीज, व्हेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज, व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज, व्हेन एक्सपोर्ट डिक्रीज। जब ये चारों चीजें डाउन पे जाएगी तो क्या होगा, डिफिशियंट डिमांड होगी, राइट। और जब ये चारों चीजें, जब ये चारों चीजें कंजप्शन प्लस कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट, जब ये चारों चीजें बढ़ेगी, जब ये चारों चीजें बढ़ेगी तो क्या होगा, तब जो है एक्सेस डिमांड होगी। तो डिफिशियंट डिमांड का जो रीजन है, डिफिशियंट डिमांड का जो रीजन है वो तो ये होगा कि जब ये तीन चारों कम हो, और एक्सेस डिमांड का रीजन ये होगी जब ये चारों ज्यादा हो। सिंपल सी बात है, जब ये चारों ज्यादा हो, जब खर्चे ज्यादा हो। अब बात यह है कि ये तो इसके सिंपली मैं सब याद रखने के लिए बता रहा हूं कि ये सिंपल इसके रीजन हुए। अब हम बात करते हैं कि ये यदि ये ज्यादा कैसे हो सकती है यार, इस लेवल से भी ज्यादा कैसे हो सकती है, जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं उससे उतना ही हम जो है आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा लोगों के पास इनकम कैसे हो सकती है, इससे ज्यादा लोग खर्च कैसे कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति कोई काम ना कर रहा, कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से आउटपुट तो जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसको कहीं पर फ्री के पैसे मिल जाए, कहीं से वो बेईमानी से पैसे कमा ले, या कहीं उसको डोनेशन की वजह से मिल जाए, किसी वजह से पैसे मिल जाए, तो वो व्यक्ति खर्च तो करेगा ना। तो मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में उस व्यक्ति के खर्च करने से डिमांड तो बढ़ रही है, भले आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे केसेस की वजह से क्या हो सकता है कि एक्सेस डिमांड के केस जनरेट हो सकते हैं। खैर, हम इसके बिल्कुल ज़्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात जो है वो बाद में करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इसके जो रीजन है, इसके रीजन ये रहे, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट। जब कम होंगे तो डिफिशियंट डिमांड होगी, जब ये ज़्यादा होंगे तो एक्सेस डिमांड होगी, ठीक। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे कि यदि ये मान लीजिए इन्फ्लेशनरी गैप है, तब इसको इसको इम्प्रूव करने के या तब इसको सुधार लाने के कौन से मेजरमेंट है, और जब डिफ्लेशनरी गैप होगी तो उसके कौन से मेजरमेंट है, ठीक। तो इसमें हमें बात ये करना है कि जब मान लीजिए इन्फ्लेशनरी गैप है, जब क्या है, मान लीजिए इन्फ्लेशनरी गैप है या डिफ्लेशनरी गैप है, एक साइड में लिख लेता हूँ कि इन्फ्लेशनरी गैप है, या जब मैं मान लेता हूं कि आपका इन्फ्लेशनरी गैप है और जब डिफ्लेशनरी गैप है, इन्फ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप कब होगी, जब डिफिशियंट डिमांड हो, जब डिमांड जो है फुल इंप्लॉयमेंट से कम हो, और इन्फ्लेशनरी गैप कब होगी, जब एक्सेस डिमांड जब इससे ज्यादा हो। अब डिफ्लेशनरी गैप जब है तो क्या है, तो मार्केट में जो है कंजप्शन कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इसी वजह से मार्केट में मंदी है। तो इसको यदि हमें इम्प्रूव करना है, तो इसको यदि हमें इम्प्रूव करना तो क्या करना पड़ेगा, या हम कहें कि मार्केट में से मंदी की सिचुएशन, डिफ्लेशन की सिचुएशन को खत्म करना है, तो इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और जब इन्फ्लेशनरी गैप है, इट मीन्स ये कि कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी जरूरत से ज़्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट खर्चे भी ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट भी जो है वो ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब हमें क्या करना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा हो रहे हैं, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है, तो हमें इन सबको क्या करना है, कम करना है। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो है कम हो रही है, कम हो रही है, इसी वजह से डिफ्लेशनरी गैप है, तो हमें करना क्या चाहिए, इन सबको बढ़ाना चाहिए। और ये सब चीज़ें जो है, जितने भी कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और एक्सपोर्ट है, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से इन्फ्लेशनरी गैप है, इसी वजह से महंगाई है, तो अब क्या करना है, इसको कम करना है।
और इस केस में इन सबको बढ़ाना है, इन सब चीजों को बढ़ाना है, लोगों के खर्चों को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। लोगों का खर्च अपना कब बढ़ाएंगे? जब उनके पास ज्यादा पैसे हो, ज्यादा मनी सप्लाई हो। तो आरबीआई को यहां पे क्या करना चाहिए या सेंट्रल बैंक को यहां पर क्या करना चाहिए? सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो भी चीजें वो कर सकते हैं वो सारी चीजें करना चाहिए। अब मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है? मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए क्या करना चाहिए? रेपो रेट कम करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए क्या करना चाहिए? बैंक रेट कम करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट कम हो इसके लिए क्या करना चाहिए कि मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो कम से कम होना चाहिए। तो आरबीआई के जितने भी हम लोगों ने मनी सप्लाई को कंट्रोल करने वाले जो टूल्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, और यदि आप नहीं भी पढ़े तो एक बार वो बाद में पढ़ेंगे या आप देख लेना उसको, कि जितने भी टूल्स हैं जैसे CRR है, SLR है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इन सब के थ्रू क्या करना चाहिए? मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए, मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा पैसे आए तो वो जो है ज्यादा चीजें खरीदी कर पाए, राइट है, मार्केट में पैसा बढ़े। तो एक चीज तो ये हो गई कि जो आरबीआई ने करना है, इसको हम बोलेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट। ये कौन सी पॉलिसी हो गई? मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई को कदम उठाना है वो मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरी चीज जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जो हमके गवर्नमेंट जो कदम उठा सकती है, उसको हम बोल सकते हैं फिस्कल पॉलिसी। उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी, बोल सकने की बात ही नहीं है, उसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। यानी कि फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या चीज आएगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा, गवर्नमेंट का अपना खर्चा बढ़ाए, फिर जो है गवर्नमेंट जो टैक्स वगैरह लेती है वो टैक्स वगैरह के रेट जो है वो कम करें, क्योंकि अभी ऑलरेडी लोगों के पास पैसे कम है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोविंग करती है। बोरोविंग किस लिए करती है? ताकि ज़्यादा खर्च कर पाए। तो आरबीआई से बोरोविंग करना जो है वो ज़्यादा करें, क्योंकि अभी लोगों के पास पैसे कम है, तो यदि गवर्नमेंट खर्च करेगी तो मार्केट में पैसा जाएगा। तो गवर्नमेंट को जो बोरोविंग है, ये सिंपली बोरोविंग है, मैंने बी लिख दिया सिर्फ, बोरोविंग जो आरबीआई से गवर्नमेंट बोरोविंग कर रही है, तो गवर्नमेंट को बोरोविंग बढ़ाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट खुद ज़्यादा खर्च कर पाए। इसके अलावा गवर्नमेंट को इसमें जो पब्लिक डेब्ट्स होती है, पब्लिक डेब्ट्स लोगों से जो पैसे मतलब सिक्योरिटीज के थ्रू गवर्नमेंट पैसे लोगों से लेती है, पैसे जो है उनसे कर्ज के तौर पर लेती है। तो जब गवर्नमेंट पब्लिक को सिक्योरिटीज दे देगी और पैसे ले लेगी तो पब्लिक के पास पैसे कम बचते हैं, तो इस समय क्या करना चाहिए? वो सिक्योरिटीज को बेच देना चाहिए। वो सिक्योरिटी बेच देंगे तो पब्लिक के पास क्या होगा, मतलब वो सिक्योरिटी वापस मतलब कहें कि जो सिक्योरिटी, मान लीजिए कि सिक्योरिटी जब गवर्नमेंट जब पब्लिक को देगी तो लोगों के हाथ में आई सिक्योरिटी और गवर्नमेंट के हाथ में आए पैसे। इस कंडीशन में अभी फिलहाल जब डिफ्लेशन है तब क्या चाहिए कि पब्लिक के हाथ में पैसा जाए। अब पब्लिक के हाथ में पैसा जाए तो वो सिक्योरिटीज गवर्नमेंट वापस ले ले और पब्लिक के हाथ में पैसे पहुँचा दे, राइट। तो ये सारे जो कदम हैं ये गवर्नमेंट उठाना चाहिए। तो ये सारे कदम जो उठाते हैं इसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, राइट। मनी सप्लाई को जो कंट्रोल करने की बात है, मनी सप्लाई को बढ़ाने की बात है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक। इस केस में हम मनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, ऑलरेडी लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इसमें लोगों के पास पैसे ज्यादा है, पैसे ज्यादा है तो क्या करना चाहिए? मनी सप्लाई को कम करना चाहिए। मनी सप्लाई को कम कौन करेगा? मनी सप्लाई को कम करने का काम करेगी आरबीआई, करेगी सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जो ये काम करेगी उसको बोलेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी। और जब और लोगों के पास ऑलरेडी ज्यादा पैसा है ना, ऑलरेडी मार्केट में ज्यादा पैसा है तो वो इन्फ्लेशन है, तो उस दौर में क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को भी जो है खर्चे कम करना चाहिए। गवर्नमेंट टैक्स रेट और बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट को जो बोरोविंग भी है, जो गवर्नमेंट खुद आरबीआई से कर्ज ले रही है, तो कर्ज लेना कम कर देना चाहिए। पब्लिक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी बेचना चाहिए। सिक्योरिटी बेचेंगे तो पब्लिक के हाथ में सिक्योरिटी जाएगी और गवर्नमेंट के हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि पब्लिक के पास से पैसे कम करना है, लिक्विडेशन जिसको हम बोल सकते हैं, लिक्विडिटी को जो है कम करना है, राइट। तो ये सारी चीजें करेंगे तो ये सारी चीजों क्या बोलेंगे? ये सारी चीजों को हम बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी, राइट। तो फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लेशनरी गैप में जिस तरफ जा रही है, इन्फ्लेशनरी गैप में जिस तरफ मतलब हम ले जा रहे हैं, डिफ्लेशनरी गैप में जस्ट उसका अपोजिट तरफ ले जाएंगे, राइट। तो ये दरअसल बेसिक चीज है या बेसिक कॉन्सेप्ट है फिस्कल पॉलिसी के पीछे, जो जितने डिसीजन ले जाते हैं फिस्कल पॉलिसी का बेस है ये, और मॉनेटरी पॉलिसी का भी यही बेस है कि मार्केट में इन्फ्लेशन का दौर है या डिफ्लेशन का दौर है। अभी इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो रही है या डिफ्लेशनरी गैप
क्रिएट हो रही है, राइट। वैसे मैंने फिस्कल पॉलिसी को और मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ज्यादा शॉर्ट में समझा लिया, ये बात मुझे भी पता है, ठीक। लेकिन यदि आपको लगता है कि इसको और ज्यादा स्ट्रेच करने की रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को मुझे वापस समझाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसके एक एक पॉइंट लेकर के मुझे आगे आऊंगा और एक एक पॉइंट को मैं जो इसको डिस्क्राइब करूंगा कि जैसे आप हम बात कर लें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कौन सी कंडीशन में बढ़ाना चाहिए और कौन सी कंडीशन में कम करना चाहिए। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या चीज़ शामिल है, क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं है, ये सारी बातें हम लोग बाद में कर सकते हैं, ठीक। यदि आपको लगता है कि इसको आगे और बढ़ाना चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको एटलीस्ट ये बात तो क्लियर हुई होगी कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या है और डिफ्लेशनरी गैप क्या है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये चैनल बड़ा अच्छा लग रहा होगा, तो इसको सब्सक्राइब करें, थैंक यू।